हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS एक्सरसाइज शॉर्ट। KRS एक्सरसाइज शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1F ऑफ नंबर सिस्टम। आज कराना है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, गिवन रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 एंड रूट 6 इज इक्वल टू 2.449। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/√3 माइनस रूट 2 माइनस 1 इसको। तो क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। तो इसे हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था कि थ्री टर्म्स वाला जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। एक को पेयर में रखते हैं और एक को सिंगल रखते हैं। तो ठीक है, चलिए पेयर में रखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, रूट थ्री को हम अलग कर ले रहे हैं माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना अभी ब्रैकेट में। तो ये देखिए, ये हुआ आपका रूट टू। जब माइनस कॉमन लिया तो साइन प्लस का लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा जो प्रॉपर रूप से जिसे अब रैशनलाइज करना है वो फॉर्म। अब इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। ये देखिए, बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है इसी को चेंज करेंगे। तो ये होगा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन, और यहाँ से होगा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे एज इट इज रह देंगे, प्लस रूट टू प्लस वन, और ये वाली वैल्यू ए प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुट करते हैं यहाँ पे हम रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया रूट थ्री। चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सारे जो है पॉजिटिव साइन के साथ हैं। रूट थ्री का स्क्वायर हो गया है थ्री, और इसका स्क्वायर करने के लिए हमें ब्रैकेट फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए पहले इसके माइनस साइन है तो साइन चेंज हो सकता है आगे। रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, प्लस वन का स्क्वायर हो गया वन, प्लस टू इंटू ए इंटू बी। तो टू इंटू ए क्या है, रूट टू, और b तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 और 1 3 होता है, प्लस 2 अंडर रूट टू। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ आ जाते हैं, और देखिए ये है रूट थ्री प्लस, मैंने इसे यहाँ पे ब्रैकेट जो है आपका ओपन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट जो ऐसा था लगा भी सकते हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे जो है पॉजिटिव साइन के साथ हैं। यहाँ पे रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस थ्री, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया है, और यहाँ भी करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा टू अंडर रूट टू। ये देखिए प्लस माइनस के साथ है तो कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको बताया था कि एकदम हड़बड़ी में आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग यहाँ तक पहुँचने के बाद कह दें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल नहीं, हमें इसे क्या करना है, डेसिमल के थ्री प्लेसेस तक फाइंड करना था, और वैल्यू दी हुई है रूट टू की और रूट सिक्स की। तो रूट टू की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो फिर डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हम क्या कर लेते हैं, इसे एक बार और रैशनलाइज करते हैं। तो ये रूट टू लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर लेते हैं। रूट टू का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट सिक्स आएगा, प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में करेंगे तो टू आएगा, और रूट टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो रूट टू आएगा। यहाँ से देखिए माइनस टू, और रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में करेंगे तो टू, तो टू टू जो हो गया फोर, ये हो गया माइनस फोर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रूट सिक्स की वैल्यू आपको दी गई है 2.449 प्लस 2 प्लस रूट सिक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, और रूट टू की वैल्यू हमें पुट करनी है, ये है 1.414 डिवाइडेड बाय माइनस 4। अब सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखिए पॉइंट के पहले होगी यहाँ पे, तो हम इसे प्लस करना शुरू करते हैं। देखिए ये हुआ आपका 9, 4, 13। यहाँ से जो हमारा कैरी था 1 और 1 2, 2 और 4 हुआ 6, फिर 4 और 4 हुआ 8.2, 2 4 1 5,
माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस हम यहाँ पहले लगा लेंगे और डिवाइड बाई फोर कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका फोर वन जा फोर, वन बचा, फोर फोर जा सिक्सटीन, टू बचा, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, टू बचा, फोर फाइव जा ट्वेंटी। अभी यहाँ पर थ्री बचा हुआ है तो फोर सेवन जा ट्वेंटी एट भी चला जाएगा और फोर फाइव जा ट्वेंटी भी चला जाएगा। बट आपसे कहा गया है कि डेसिमल के थ्री प्लेसेस तक निकालना है, तो ये देखिए 1.46 और ये वाला जो है थर्ड प्लेस है, बट इसके आगे वाला नंबर जो है फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1.466 और यही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी इसे है, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ दिया हुआ है इवेलुएट, इस वैल्यू को इवेलुएट करना है इट बीइंग गिवन दैट रूट फाइव एंड रूट टेन, डेट मीन्स रूट फाइव और रूट टेन की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको रूट टेन और रूट फाइव के ही फॉर्म में सबको लेके आना है ताकि आप इस वैल्यू का यूज़ कर सकें। तो कर लेते हैं हम, पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसे उतार लेते हैं। यहाँ पर 15 अपॉन अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट ट्वेंटी प्लस अंडर रूट फोर्टी माइनस अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट एटी। मैंने आपको बताया है कि रूट में अगर बड़े नंबर्स दिए हुए हों तो उन्हें किस तरह से लिखते हैं। रूट टेन, क्योंकि टेन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फाइव इंटू टू आएगा, तो फाइव और टू दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो इन्हें हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बट ट्वेंटी के केस में क्या होगा, ट्वेंटी अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे कट रहा है, ये टू बार टू आ रहा है और एक बार फाइव आ रहा है, लिख लेते हैं टू इंटू टू इंटू फाइव। ऐसे ही 40 के केस में, तो 40 के केस में आप खुद ओरल भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि 8 फाइव जा 40 होता है, दैट मीन्स 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो गया 8 हो गया, इंटू फाइव कितना हुआ 40, माइनस अंडर रूट फाइव और माइनस रूट एटी। तो रूट एटी कैसे बनाएंगे हम, 10 इंटू एट क्या होता है 80 होता है, तो ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन इंटू फाइव एटी। नहीं समझ में आता है तो ऐसे निकालना, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे तो आपको अपने आप वो नंबर्स मिल जाएंगे जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, वन टू थ्री फोर इंटू फाइव, वन टू थ्री फोर इंटू फाइव। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी वैल्यूज़ पेयर में है वो एक बाहर आ जाती है, अगर वो पेयर में है, टू पेयर में है तो टू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट फाइव बचा, टू पेयर में है टू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा फाइव इंटू टू यानी कि टेन माइनस रूट फाइव माइनस क्या पेयर में है, यहाँ पे टू का दो पेयर है यानी कि दो बार टू बाहर आएगा, टू टू जा फोर अंडर रूट फाइव। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये रूट टेन है, ये भी रूट टेन है, लेकिन यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो थ्री रूट टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री रूट टेन। ये रूट फाइव वाला है, ये रूट फाइव वाला है, ये रूट फाइव वाला है, तो पहले तो देखिए टू रूट फाइव यहाँ से माइनस, दोनों के पहले माइनस का साइन है यानी कि दोनों ऐड होंगे और साइन लगेगा माइनस का, ये फोर है यहाँ वन है तो ये हो गया फाइव रूट फाइव। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो क्या होगा इसके लिए, यहाँ से देखते हैं 15, यहाँ से हो गया थ्री रूट टेन माइनस, फाइव बड़ा है कि टू बड़ा है, फाइव बड़ा है, फाइव के पहले वाला साइन यहाँ लगाएंगे, दोनों के साथ रूट फाइव है तो यानी फाइव में से टू को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा थ्री रूट फाइव। अब थ्री कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में से, तो अंदर आपका जो ब्रैकेट में आ जाएगा रूट टेन माइनस रूट फाइव, यहाँ से थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो ये आया फाइव अपॉन अंडर रूट टेन माइनस अंडर रूट फाइव। रूट टेन और रूट फाइव की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप यहाँ पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों ना इसे रैशनलाइज कर लिया जाए। रैशनलाइज करेंगे तो ये होगा रूट टेन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट टेन प्लस रूट फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव अंडर रूट टेन प्लस फाइव अंडर रूट फाइव, और यहाँ से ये हो जाएगा रूट टेन का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, तो ये हुआ फाइव इंटू, एक बार और देख लेते हैं करके, हो सकता है कोई वैल्यू कट जाए, फाइव अगर कॉमन लें तो ये आएगा रूट टेन प्लस रूट फाइव और यहाँ आएगा टेन माइनस फाइव, तो ये हो गया आपका फाइव
रूट टेन प्लस रूट फाइव अपॉन फाइव, फाइव से फाइव कैंसल आउट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट फाइव, दोनों की वैल्यू पता है, रूट टेन की वैल्यू 3.162 गिवन है और रूट फाइव की वैल्यू 2.236। ऐड करिए 628, 369, 213 और 325। ये 5.398 जो वैल्यू आ रही है यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, और ये आपका एक्सरसाइज 1F का लास्ट क्वेश्चन था आज। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है हमारा एक्सरसाइज 1F। तो क्वेश्चंस जो आज मैंने कराए हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अगर आप देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें, उन्हें बताएं कि यहाँ पे जो है क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।